स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों, पिछले थोड़े दिनों से बारिश का सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है और आज हम दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। हम ज़्यादातर गार्डन जो लवर होते हैं या तो जिसके पास अच्छे खासे प्लांट पड़े हैं और वो गार्डनिंग कर रहे हैं, वो कभी कभी वीडियो में ऐसा बोलते हैं कि आपको गमले के नीचे वेल डन वॉल करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो वैसे तो दोस्तों ये टॉपिक उसके ऊपर ही है कि क्यों ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि आप गमले के नीचे है वो वेल डन वॉल कर दे। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं वो ऐसा ही एक गमला है जिसके नीचे दोस्तों वेल डन वॉल करना शायद किसी वजह से मैं भूल गया था। देखिए नीचे है और ये प्लांट में तकरीबन 10-12 दिनों से यूं ही जब जब बारिश आ रही थी तो पानी है वो गिरता रहता था और मुझे भी असल में पता नहीं था क्योंकि ये प्लांट के पीछे चला गया हुआ प्लांट है और ये दोस्तों अगेव का प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तुरंत ही ऐसे मरता नहीं है। पर देखिए क्या हालत होती है यदि हम गमले में अच्छा ड्रेनेज वॉल ना रखें। और बाद में मैंने देखिए ड्रेनेज वॉल कर दिया है दोस्तों, तो ये मेरे ध्यान में आया था, तुरंत मैंने ये कर दिया है क्योंकि बिना ड्रेनेज वॉल के दोस्तों प्लांट को प्लास्टिक के बोतल में या तो गमले में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगेव के बारे में, ये जो प्लांट है अगेव का उसको जिसको पता होगा वो जानते हैं दोस्तों कि बहुत ही आड़ी प्लांट है, ऐसे तुरंत ही नहीं मरता है। पर देखिए कितना कीचड़ वाला हो गया है। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हो कि कोई भी नॉर्मल प्लांट होता तो कब का शायद 5 या 7 दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन ये अगेव का प्लांट है और मेरे ध्यान में आ गया है। तो दोस्तों आप कंपलसरी प्लास्टिक का जो गमला होता है उसके नीचे ज़रूर ही वेल डन वॉल करें ताकि पानी है वो आसानी से इसमें से ड्रेनेज हो जाए। और ख़ास करके बारिश के मौसम में यदि आपके पास इतनी स्पेस नहीं हो कि जहाँ आप ऐसी जगह पर रख सके कि बारिश का पानी है वो, तो दोस्तों लगातार बारिश कब होती है वो तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन देखिए मैंने साफ कर दिया है और आपको ड्रेनेज वॉल है वो दिख रहा है। तो ऐसा लगे दोस्तों तो बारिश के टाइम आप थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए गमले को ताकि उसमें से पानी है वो आसानी से निकल जाए। ड्रेनेज वॉल के साथ आप थोड़ा क्रॉस में कर दीजिए गमले को, क्योंकि उल्टा तो नहीं कर सकते, उसमें तो प्लांट मर जाते हैं। लेकिन टेढ़ा कर दोगे दोस्तों तो बारिश है वो डायरेक्ट गमले के ऊपर नहीं पड़ेगी। और ये आपको दोस्तों मैं वीडियो में सब कुछ दिखा ही रहा हूँ, आप समझ सकते होगे कि कितने रूट है वो प्रॉब्लम वाले फिल हो जाते हैं। मैंने ये पूरा प्रोसेस किया है आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वो। तो फंजीसाइड पाउडर है वो मैं लगा दूंगा ताकि फिर से वो स्टेबल हो जाए। लेकिन दोस्तों इतना हार्ड प्लांट है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी दोस्तों इसकी केयर है वो मुझे तकरीबन 1 मंथ तक तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पत्ते वगैरह है वो फिर से अच्छी तरह से करने के लिए। तो अब जाके इसमें वॉल तो कर दिया है और नीचे है वो दोस्तों टिकरी की लेयर कर लेंगे और ये कंकर है तो पानी है वो फिर से अच्छी तरह से ड्रेनेज हो जाए। दोस्तों ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करता हूँ, पर शायद किस वजह से हो गया है वो मुझे भी पता नहीं था। हो सकता है दोस्तों कि घर के कोई सदस्य ने मैं नहीं होगा तब जाके कुछ प्लांट है वो इसमें ग्रो किए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगेव का प्लांट है दोस्तों, इसमें तकरीबन 1.5 साल से है और मेरा सब कुछ लिमिटेड ही होता है कि प्लास्टिक के बोतल में या तो गमले में कितना हमें वाटरिंग करना है। तो ऐसी दिक्कत पहले होगी दोस्तों तो प्लांट ही सर्वाइव नहीं हुआ होगा, लेकिन ये अच्छी तरह से सर्वाइव हुआ है। इसका मतलब ये है कि पानी है वो मैंने लिमिटेड ही दिया है, क्योंकि अब जाके इतनी बारिश हुई है दोस्तों तो अब जाके ये पता चला कि बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग गिरा था तो तब जाके इसमें से ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है। तो ये दिक्कत सामने आई है, तो आपको मैं यही बताने के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया है कि प्लास्टिक के हम गमले लेते हैं वो बहुत ही अच्छे भी होते हैं, लेकिन यदि ख्याल ना रखा जाए दोस्तों तो प्लांट है वो मर भी जाते हैं। इसमें जो मिट्टी के गमले होते हैं उसके मुकाबले कम वाटरिंग भी करना पड़ता है क्योंकि इसमें स्टोरेज रहता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।